हेलो वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ हेडलाइंस। सनी लियोनी के आइटम नंबर को एक बार फिर से झटका देने के लिए बबली ने दिखाई कौन सी बदमाशी, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज। बबली बदमाश के सामने सनी लियोनी के आइटम नंबर को मिल रही अप्रिसिएशन के बदले बदमाश बबली यानी प्रियंका ने दिया लैला को एक और झटका। क्या है वो, बताएगी हमारी टॉप स्टोरी। ये बबली सच में काफी बदमाश है। जब सामने आई शूट आउट अडवाडाला के दो आइटम सॉन्ग्स बबली और लैला, तो लैला को मिला ज्यादा अप्रिसिएशन। ये देख के हुई बबली अंदर ही अंदर काफी नाराज। ये खबर तो जूम अप तक लाया ही था, लेकिन आज की हॉट सिजलिंग खबर ये है कि अब एक बार फिर प्रियंका की नाराजगी और शुरवी से इनसिक्योरिटी का एक और झटका मिला है लैला को। जरा गौर से सुनिए। मीडिया के सवाल पर उल्टा सवाल करने वाली प्रियंका को क्या सच में नहीं पता कि सनी इस फिल्म में उन्हीं की तरह प्राइमरली एक हॉट सिजलिंग सॉन्ग के लिए साइन की गई थी, या फिर ये सनी के गाने को अपने गाने के सामने एक प्रॉपर आइटम सॉन्ग का टैग ना देने की है कोशिश। नो नो, आई एम आस्किंग लॉजिकली कि आइटम वही होता ना जो आप, अगर आप रोल नहीं प्ले कर रहे हो फिल्म में और आपने गाना किया है तो बाकी तो आइटम नहीं हुए ना, वो तो फिल्म के गाने हुए। लॉजिक की ही बात करनी है अगर पीसी, तो आपको आपका ही एक लॉजिक याद दिला देते हैं। अपने इसी गाने को लेकर ऐसे ही एक इवेंट पे आपने कहा था कुछ ऐसा। I think it's a guest appearance song. I think when as soon as you say item गाना है, it cheapens it a little bit, which it shouldn't be. और जब बात आई सनी के हॉट आइटम सॉन्ग को टक्कर देने की, तो आप खुद ही अपनी लॉजिक भूल टैग कर रही है बबली बदमाश को एज एन आइटम सॉन्ग। बाकी तो आइटम नहीं हुए ना, बाकी तो आइटम नहीं हुए ना। वैसे प्रियंका के इस डिफेंसिव एटीट्यूड को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है, क्योंकि सनी का फिल्म में एक छोटा सा नेग्लिजिबल रोल है। फिर भी प्रियंका का फिल्म के बाकी दो सपोजिट आइटम सॉन्ग्स पर रिएक्ट करना और उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट जाते जाते आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि फिल्म में प्रॉपर आइटम सॉन्ग होने के इस टैग की बात करी किसने थी। दरअसल वो जॉन इब्राहिम थे जिन्होंने बुलाया था बबली बदमाश को द प्रॉपर आइटम सॉन्ग ऑफ द फिल्म, और इसी बात पर प्रियंका का रिएक्शन तो मिला, लेकिन वो पड़ गया सनी पर भारी। बट हाँ, जॉन को जरूर मिल गई अप्रिसिएशन। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए 4 वीक्स के एक्सटेंशन के बाद अब संजय ने फाइल किया है रिव्यू पेटिशन। इसकी और डिटेल्स हम आपको देंगे हमारी अगली स्टोरी में। 1 महीने के एक्सटेंशन मिलने के बाद अब संजय दत्त ने फाइल की है एक रिव्यू पेटिशन। कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया था, पर अब अपडेट आया है कि दिल्ली बेस्ड लीगल टीम ने एक रिव्यू पिटीशन तैयार किया है और उसे फ्राइडे को कोर्ट में फाइल कर दिया गया। अब इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नेक्स्ट वीक सेम जजेस के सामने की जाएगी, और फिर कोर्ट क्या फैसला लेगी इसका अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। दिस वीक ऑन नंबर 10 इज शाहरुख मच अवेटेड फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से जुड़ी खबर। बॉलीवुड के बादशाह की अगली फिल्म के लिए लोगों ने फिर थाम रखा है अपना दिल। लेकिन इससे पहले कि SRK की अगली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस बनाती कई हंगामेदार रिकॉर्ड्स, फिल्म की कहानी को लीक करके रूमर्स में आने लगे हैं कई सारे अफसाने। रिपोर्टेडली इस फिल्म की स्टोरी लाइन रिवील करने का दावा करने वाले कुछ SMS सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं। कुछ SMS इसे बता रहे हैं एक ट्रेन जर्नी की कहानी, और कुछ इसमें थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की स्टोरी रिवील करने वाले SMS भेजने की शुरुआत आखिर किसने की, ये तो किसी को नहीं पता। इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो फिल्म की रिलीज के बाद ही चलेगा कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पेयरिंग वाली चेन्नई एक्सप्रेस आखिरकार कहां जाकर रुकती है। तभी मुड़कर देखने पर सही सही पता चलेगा कि फिल्म की कहानी रिवील करने का दावा करने वाले मैसेजेस में कितना दम था।
वीक के नंबर 9 न्यूज मेकर बने हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिन्होंने रिपोर्टेडली अपना लिया है फुल मॉन्टी अवतार। अगर ऐसा हुआ है तो हुई ना ये बॉलीवुड की सबसे हॉट हॉट खबर। अब बिना और देर किए आपको ये भी बता दिया जाए सोर्सेज के थ्रू आई इस खबर के बाकी अपडेट्स। आमिर खान का ये फुल मॉन्टी अवतार होगा उनकी अपकमिंग फिल्म पीके में। वैसे अब तक आमिर खान के ऑन द सेट्स जो भी पिक्चर्स मीडिया में आए हैं उनमें आमिर खान एक रेडियो जैसी ऑडियो डिवाइस के साथ नजर आ रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बचाएगा पीके में आमिर खान की लाज। जी हाँ, यही है बॉलीवुड में अब तक किसी भी सुपरस्टार का सबसे हॉट अवतार। और पीके के सेट से उड़ते उड़ते आई खबर को अगर सही माना जाए तो लगभग इस तस्वीर की तरह बिना किसी कपड़ों के नजर आएंगे आमिर खान। रिपोर्टेडली पीके का ये सीन रिसेंटली राजस्थान में शूट किया गया है। इस सीन की शूटिंग के लिए जंगल की तरह नजर आने वाली जगह चुनी गई थी। ये तो थे लोकेशन के डिटेल्स, पर जहाँ तक बात है सीन के दिल को छू लेने की, तो बताया जा रहा है कि आमिर का ये सीन फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन्स में से एक है। खबर तो ये भी मिली है कि ये सीन इतना इमोशनल था कि इस सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद कास्ट एंड क्रू भी रो पड़े। नाउ श्योरली एवरीवन्स वेटिंग टू सी आमिर फुल मॉन्टी अवतार, बट फॉर नाउ वी गिव हिम नंबर 9 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। एसआरके और अक्षय के बीच टक्कर, स्क्रीन्स को हथियाने की जंग, क्रिकेट टूर्नामेंट में अकी को साबोटाज करने की बात, चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 को लेकर आ रही तरह तरह की खबरों ने इस स्टोरी को आज हमारे काउंटडाउन पे नंबर 8 पर जगह दिलाई है। सोर्सेस की माने तो ये दोनों फिल्में ईद पर रिलीज होने वाली थी, पर आपको ये सुनके हैरानी होगी कि इस ईद पर रिलीज नहीं हो रही है एसआरके की चेन्नई एक्सप्रेस, क्योंकि अब तक एसआरके ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट्स फाइनलाइज नहीं करी हैं और इस बात को ट्रेड पंडित ने खुद किया कन्फर्म। चेन्नई एक्सप्रेस ने अब तक ऑफिशियली कोई रिलीज डेट कन्फर्म नहीं की है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस की कोई भी रिलीज डेट देने से इनकार कर दिया है। अगर इस बात को माना जाए तो लगता है शाहरुख खान ने अभी अपना असली पत्ता नहीं फेंका है। डेट क्या है, कब है, ये अभी नहीं तय हुआ है। खैर जो भी हो, फिल्म को अक्षय के साथ हो रही टक्कर की वजह से काफी सारी पब्लिसिटी तो मिल ही चुकी है। पति पत्नी और वो, बॉलीवुड के इस पुराने फॉर्मूले ने इस वीक क्रिएट किया काफी बज कि हुमा कालकी की और अनुराग कश्यप से जुड़ी ये खबर पहुंच गई हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 7। दरअसल कालकी और हुमा कुरेशी को हंसी इस बात पर आ रही है कि पिछले दिनों अनुराग कश्यप और हुमा कुरेशी के लिंकअप के किस्से छाए हुए थे और जब हुमा के सामने ही जूम ने कालकी से हुमा और अनुराग के लिंकअप की सच्चाई जानने की हिम्मत जुटाई तो देखिए कालकी ने कैसे उन मीडिया रिपोर्ट्स की बजा दी बैंड। They kept calling and calling, so eventually I was like, अच्छा बता दो, एक घंटा है मेरे पास, जो भी पूछना है पूछ लो, just ask me whatever you want and I'll tell you. But you know, I don't have anything to hide and I don't think we have anything to feel uncomfortable. And I remember Kalki calling me after that interview. She called me, she said, listen, I don't know what they're gonna write, you know, because and she was like, you know, वहीं हुमा ने भी हमसे एक्सक्लूसिवली शेयर कर दिया कि वो अनुराग के साथ क्या इक्वेशन रखती हैं। Well, Anurag is a friend and you know, I mean he is someone who's you know been my first director and he's a very special person and he has been a sounding board of sorts for a lot of things, you know, but I mean, I don't know. I'm not going to let these rumors affect my relationship with him. तो पति पत्नी और वो की ये कहानी exclusively Zoom पर बन गई है इस हफ्ते की Countdown number 7. इस वीक की सबसे खास और चौंकाने वाली खबर बनी संजय दत्त को मिले सरेंडर करने के लिए एक्सटेंशन की। एक बार फिर शुरू हुआ संजय दत्त के जेल जाने का काउंटडाउन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते यानी करीब एक और महीने का वक्त दे दिया है। हालांकि टाडा कोर्ट से आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए जाने पर संजय दत्त को 18 अप्रैल तक कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी न हो पाने की वजह से कोर्ट से सरेंडर के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए वेंसडे की सुबह कोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें 4 हफ्तों का वक्त दिया कि आगे उन्हें और मोहलत नहीं दी जाएगी और 4 हफ्ते के बाद उन्हें हर हाल में सरेंडर करना ही होगा। इस सब के बावजूद ये है बॉलीवुड के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि इससे सीधे तौर पर बॉलीवुड का फायदा और नुकसान जुड़ा है। ऐसे में संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए एक और महीने का टाइम मिलने से कितना फायदा होगा, ये बात भी ऐसे किसी प्रोड्यूसर से पूछी जानी चाहिए जिन्होंने संजय दत्त पर दाव लगा रखा है। तो सुनिए क्या कहना है पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल का। देखिए, अगर उनको ये टाइम नहीं मिलता तो वो कम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग डबिंग जो भी उन्होंने की थी अभी तक, हम लोग उसके अंदर कम्प्रोमाइज करते हैं।
But now he'll be able to give us proper time for dubbing. He's doing it from tomorrow. And about 4 days of patchwork. उसके अंदर एक गाना है, एक गाने के अंदर वन डे वर्क इज डन, ही विल डू इट एंड प्लस पैच वर्क, व्हिच ही हैज एग्रीड. Hi Kunkana, hi Imran, welcome to our show. Thank you. Imran, you've done films like Raaz, so and but you were saying this one is taking Supernatural to another level. Yeah. Tell us about it. Yeah, well, I've always had a strong liking towards supernatural horror films, and Raaz changed things in a way with 3D experience. Yeah. It's very immersive and a different kind of mass horror entertainer. I think what this does, it kind of tries to get in a wider chunk of the audience with the appeal of horror, a psychological feel that is more classy in its treatment. And just the VFX and a completely new horror experience. Kunkana, you've done a variety of roles, so is this the most spooky thing you've done? Yes, definitely. Yeah. My first supernatural thriller. And I was very excited because I've often done characters who are, quite boring. Because they're very good and very, very kind of straightforward and earnest and all of that. But in this film, I think because we wanted to keep that suspense of who's the Dayan, so all the characters have, shades of grey. Yeah. Do you believe in magic? I believe in trickery. I believe that you can fool a person through visuals and through if you're intelligent enough and you can play with those visuals, you can fool them into believing things. And I've seen it happen with me. I've seen people do things and then turn around and tell me how it's done, and they had me fooled for those 5 minutes when they did the trick. And you can't question that. I mean, it's there, and it's like, well, how did you do it? And you can't even think of how they did it. And then when they tell you how they've done it, it's the most basic thing. इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर हैं साजिद खान और उनका एक सुपरस्टार को किया हुआ फोन कॉल. एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का कहना है कि रिसेंटली साजिद खान ने किया खुद अक्षय कुमार को एक फोन कॉल और अपनी दोस्ती की दुहाई देकर अक्षय को हाउसफुल 3 का पार्ट ना बनने को कहा. ऐसा इसलिए कि साजिद नारियालवाला ने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साजिद नहीं बल्कि कोई और ही बैठेगा इस बार हाउसफुल 3 की डायरेक्टर चेयर पर. और अब जब खुद साजिद खान नहीं रहेंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, तो सूत्रों की माने तो वो अक्षय से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी रहे हाउसफुल 3 से दूर. और साजिद का यही एक्ट उन्हें बना गया इस वीक का नंबर 4 बज मेकर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कई मजा आएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर. नंबर 3 की जगह बैठा है एक ऐसा डॉन जो हार गया है एक बाजी. जी हाँ, वो इमरान हाशमी ही हैं जो डॉन बनने के मुकाबले में अक्षय कुमार से हार गए हैं. और अपनी हार का कन्फेशन उन्होंने इस वीक जूम पर एक्सक्लूसिवली किया कि आखिर किस वजह से उन्हें होना पड़ा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 से आउट. इट्स एंटायरली द क्रिएटिव एंड द प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव. इट्स देयर स्क्रिप्ट, इट्स देयर इट्स देयर आईडिया. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव माय कैरेक्टर मैच्योर, I think the best thing would be probably to get someone else for it who would play that character, because this guy was young, brash. I think probably I'll get to that mature character where I can play that probably the next 10 years. वहीं फिल्म के डायरेक्टर जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर कर चुके हैं कि सीक्वल में लीड एक्टर को बदलकर वो कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट. We were following the story and it's his character that goes ahead 15 years in time, and it is his character which is being played by Akshay. So that's the first time experiment in Hindi movies that we're trying to pull off. Well, so Imran ka ye candid confession aur unke replace hone ka reason definitely deserve the hot spot number 3 on a countdown. Zoom ne aapko pichle dino di khabar ki energy drink ke jis brand ke face the Shahrukh Khan, ab usi brand ko endorse karne aage aa rahi hai Sunny Leone. Aur dekhiye, ye khabar sabit hui 100% true jab is hafte Sunny Leone us brand ko promote karne aa bhi gayi. Par ek sawal ab bhi barqarar hai ki kya iski wajah ye hai ki Sunny's X factor is higher than industry's badshah Shahrukh Khan. Well, isi bache hue sawal ka jawab bhi hum nahi balki khud Sunny Leone aur is brand ke owner se mile to acha hoga. To kyun na shuruaat ki jaye Sunny se. I don't think so. I think he's always at the
top of the food chain. तो सुन लिया आपने सनी का जवाब. वो किंग खान ही है जिनके एक्स फैक्टर को सनी पूरे बॉलीवुड में मानती है सबसे हाईएस्ट. वो किंग खान ही है जिनका एक्स फैक्टर सनी को करता है सबसे ज्यादा अपील. एसआर के ही है वो टॉप बॉलीवुड खान जिनके एक्स फैक्टर पर जान छिड़कती है सनी लियोनी. पर सनी के इन रेवलेशन से अलग जब हमने बात की इस ब्रांड को ओन करने वाले एक्टर एंड बिजनेसमैन सचिन जोशी से तो बैलेंस करते करते भी फिसल गई उनकी जुबान. इट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू इवन मेक अ कंपैरिजन बिकॉज़ वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है. आज की तारीख में जो यूथ एनर्जी ड्रिंक प्रेफर करता है उनके लिए आज वो सनी लियोन को ज्यादा देखना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाई सनी लियोन इज ऑन बोर्ड. तो सनी वर्सेस एसआरके का ये खेल बना इस वीक का नंबर 2 बज मेकर. प्लानर बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज. लेट्स फाइंड आउट. 16 जुलाई 2008 कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी पर सलमान खान ने खोया था अपना आपा. इस पार्टी ब्रॉल के बाद सलमान खान की फिर किसी पार्टी में लड़ाई झगड़े की खबर अब तक नहीं आई थी, लेकिन 19 अप्रैल 2013 की रात को एक बार फिर सबके दिमाग में सलमान की वही पुरानी झगड़े वाली इमेज ताजा हो गई और बन गए सलमान एक बार फिर इस वीक के टॉप न्यूज मेकर. हाँ, सोर्सेस की माने तो सलमान खान अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक फेमस क्लब में पार्टी कर रहे थे. सलमान और उनके फ्रेंड्स ने यहाँ जमकर पार्टी की और ड्रिंक भी किया. सोर्सेस की माने तो इस पार्टी के दौरान नशे में सलमान खान की कुछ लोगों के साथ तूतू मेमे हो गई और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि इस क्लब के स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा. रिपोर्टेडली इस पार्टी के दौरान सलमान खान ने नशे की हालत में कुछ लोगों को अब्यूज भी किया, लेकिन क्लब के स्टाफ ने इस मामले को जैसे तैसे रफा दफा किया. Zoom recently पहुंचा फीला रेसलमेनिया की स्क्रीनिंग पर जो स्पेशली बच्चों के लिए रखी गई थी. वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. Zoom पहुंचा फीला रेसलमेनिया की स्क्रीनिंग पर. द स्क्रीनिंग वाज स्पेशली हेल्ड फॉर चिल्ड्रन. Fila WrestleMania has launched its 29th edition and this time too it is as grand as its previous years. Is screening par rakha gaya lucky draw competition bhi jisme sabhi bachchon ne kiya participate and one of the kids won the championship belt too. Well, not just this. Humne yahan Fila India ke CEO Rajiv Bajaj se baat ki aur unse WWE ke association ke bare mein pucha. To suniye unka kya kehna tha. Association better ho sakti hai kyunki दोनों का टारगेट ग्रुप सेम है, दोनों का ऑडियंस सेम है, यूथ है और दोनों सेम टारगेट को अटैक कर रहे हैं और इसीलिए फीला और WWE की एसोसिएशन दोनों के लिए अच्छी रहेगी. यहाँ आए राजीव बजाज ने हमें फीला ब्रांड के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया. लिसन अप. फॉर फीला वी प्लान दैट वी नाउ हैव अबाउट 50 एक्सक्लूसिव स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया. वी प्लान टू टेक इट टू अबाउट 100 इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स. And we have a large footprint all over India in over 100 cities and towns where we are expanding. We are very strong already in footwear and we are going to do the same thing in apparel and accessories. Jitne excited Rajiv Bajaj dikhe, utne hi khush nazar aa rahe the Rukn Kizilbash bhi, who is the general manager of WWE India. Touch points, you know, I mean, we are launching the apparel with Fila, we are launching back to school, we are launching you know, a couple of other products. It's already available on TV, it's been available since 2002 on TV. So, you know, lots more touch points for the consumer to experience the brand. Bureau Report, Zoom, Mumbai. जाते जाते आपको देते हैं एक गुड न्यूज. द लेट राजेश खन्ना जी, नाना पाटेकर एंड ऋतु कुमार हैव रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड एंड विद दिस इट्स अ रैप. प्लानर बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.